हेलो फ्रेंड्स, गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन लगाए थे, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में भी और आगे कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है वही हम करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। अब क्या कह रहा है, द अल्टीट्यूड, ये आपका अल्टीट्यूड है और ये बेस है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो अल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर क्या है, बेस से कम है, ठीक। तो जिससे कम है हम उसको क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं, यही हमारा बेस है। तो हमने क्या किया, इसको एक्स मान लिया। अब कह रहा है कि ये अल्टीट्यूड जो है, ठीक है, अल्टीट्यूड क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा 1 सेंटीमीटर है और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि ये दो साइड निकालनी है, यानी एल्टीट्यूड और बेस निकालना है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि ये तो हमें दे दिया, लेकिन हम निकालें कैसे। तो हमें सिंपल सा ये काम करना है कि हमारे पास जो ट्रायंगल है इसमें हमें कुछ पता है क्या, इसकी कोई क्वालिटी। एक क्वालिटी इसकी ये है, राइट एंगल ट्रायंगल की, कि ये जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं इसमें। अब देखिए हमें क्या मिलता है, यह है 13, 13 का स्क्वायर लिख लिया, बेस कितना है हमारे पास, एक्स है, एक्स का स्क्वायर कर लिया, प्लस ये कितना है, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो पूरा है इसको इधर लाते हैं और 13 को उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7 क्या हो जाएगा, 14x माइनस सॉरी प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू, ये 13 है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 7 का स्क्वायर है, 49 हो जाएगा। अब 169 को इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस 169 इक्वल टू 0। अब देखिए ये है, इसमें से हम घटा लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, ये माइनस में है, ठीक है, तो माइनस ये है क्योंकि ये बड़ा है, बचेगा क्या, 120 इक्वल टू 0। अब देखिए ये तीनों जो टर्म है, ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें आ गया, इसी को बस हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अब यहाँ पे अल्फा बीटा कैसे चाहिए हमारे, कि अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता हो, 60 आता हो, और अल्फ़ा
और बीटा को प्लस करने पे क्या आता हो, 7 आता हो। ठीक, अब पिछले वीडियो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ पे ठीक है सी की जगह ये निगेटिव यानी सी की जगह अगर माइनस दिया हो ठीक है, तो हम क्या करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं अल्फ़ा माइनस बीटा ढूंढते हैं। अब देखिए ये 60 है, 60 को क्या करते हैं जो मैंने ट्री बताई थी आपको उसी से चलते हैं। क्या करना हमें अल्फ़ा बीटा से चाहिए कि मल्टीप्लाई करने में 60 आए, तो सबसे पहले एक से डिवाइड करते हैं कितना बचेगा 60। अब 60 में से एक को माइनस करेंगे 7 आता है, नहीं आता। फिर दो से करते हैं ठीक है, दो से डिवाइड करने में क्या आएगा 30, 30 में से दो घटाएंगे कितना आएगा 28, 7 से नहीं जाता। फिर तीन लेते हैं, तीन से जब 60 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20, 20 में से 3 माइनस किया कितना आया 17, 7 नहीं आया। अब फिर चार से करते हैं, चार से करने पर कितना आएगा 15 ठीक है, चार से 60 डिवाइड किया कितना बचेगा 15, 15 में से 4 गया 7 आएगा नहीं आएगा। फिर पाँच से करते हैं, पाँच से 60 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12, 12 में से 5 माइनस करेंगे क्या 7 आएगा, हाँ 7 आ जाएगा ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0 ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 12x ठीक, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस आ जाएगा 5 और बाहर है x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब देखिए मैं यहाँ पे दो जोड़ी मिल गई, इसमें क्या कॉमन है x कॉमन, x बाहर निकाल लिया x माइनस 12 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन निकाल लिया x माइनस कितना बचेगा 12 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में x माइनस 12 कॉमन है, x माइनस 12 कॉमन निकाल लिया बाहर, इसको निकालने के बाद यहाँ क्या बचा x बचा, यहाँ क्या बचा प्लस 5 बचा है इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 12 और x इक्वल टू माइनस 5। अब देखिए ये जो दो वैल्यूज हैं इसमें हम ये वाला नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है निगेटिव है, जबकि किसी भी ट्रायंगल का ठीक है जो साइड होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए ठीक। तो यहाँ जाते हैं हम इसको नहीं ले पाएंगे, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, सो बेस एक्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ठीक है, और अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा एक्स माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिल गया, देयरफॉर बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए
ये जो क्वेश्चन है इसमें दो पार्ट है, एक ये है और एक ये है। अब इसमें क्या कह रहा है कि हमें रूट्स निकालने हैं। इक्वेशन लिखते हैं, सबसे पहले रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो कोफिशियंट है वो रूट टू है और जो कांस्टेंट टर्म है वो फाइव रूट टू है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें अल्फ़ा बीटा कैसे चाहिए कि अल्फ़ा इंटू बीटा हमें क्या मिल जाए, ये और ये, ठीक है। यानी रूट टू इंटू फाइव रूट टू, ये कितना हो जाएगा, फाइव इंटू टू इक्वल्स टू टेन। यानी अल्फ़ा बीटा हमें कितना मिलना चाहिए, टेन मिलना चाहिए, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिलना चाहिए, ये सेवन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, फाइव और टू होंगे। फाइव और टू को अगर मल्टीप्लाई करें टेन आता है, और ऐड कर दे तो सेवन आता है। तो यही लगा देते हैं, सेवन को फाइव प्लस टू लिख देते हैं, प्लस फाइव रूट टू इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे कभी कभार बच्चे सोचने लगते हैं कि फाइव प्लस टू लिखो कि टू प्लस फाइव लिखो, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर का कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे फाइव प्लस टू लिखें या टू प्लस फाइव लिखें, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। वही आगे बढ़ते हैं, ये हो गया फाइव एक्स, फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल टू जीरो। अभी हमें यार यहाँ जोड़ी बन गई है, ठीक है। अब यहाँ कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स निकाल लिया, बचा क्या रूट टू एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचा फाइव, प्लस यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ तो ऐसे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो टू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट टू इंटू रूट टू, ठीक है। और ये है एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमें कॉमन दिखने लगा, रूट टू, रूट टू कॉमन हो गया, तो रूट टू मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा रूट टू एक्स प्लस यहाँ से रूट टू निकाल लिया, क्या बचा फाइव इक्वल्स टू जीरो। अब ये कॉमन हो गया है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको निकालने के बाद क्या बचा एक्स प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, आइदर रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो और एक्स प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस फाइव उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये रूट टू क्रॉस मल्टीप्लाई के नीचे आएगा, क्या बचेगा फाइव रूट टू, और यहाँ से क्या मिलेगी एक्स की वैल्यू माइनस रूट टू, ठीक है। यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि नीचे है रूट टू, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, यहाँ रूट टू मल्टीप्लाई नीचे और यहाँ ऊपर कर लेते हैं, तो क्या बनेगा माइनस फाइव रूट टू अपॉन टू और माइनस रूट टू, ठीक है। ये हमें एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, कुछ ज़्यादा नहीं। प्लस वन बाई एट इक्वल टू जीरो। अब जहाँ पे ये जो सी कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वहाँ पे कोई फ्रैक्शन आ जाए तो क्या किया जाता है, कुछ करना नहीं है, बस ये जो एट है, ठीक है, इस एट से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाई एट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एट एक्स प्लस, यहाँ से जब एट का मल्टीप्लाई होगा तो एट से एट कट जाएगा, बचेगा क्या वन इक्वल्स टू जीरो। अब ये हमारे पास सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, अल्फ़ा बीटा किस टाइप के चाहिए, कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिले, सिक्सटीन इंटू वन यानी सिक्सटीन,
और अल्फा प्लस बीटा क्या हमें मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए, ठीक है, माइनस को भी भूले रखिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं ले लूँ 4 एंड 4 अल्फा और बीटा को, ठीक है, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक, यानी ऐड करने पर 8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाएगा। तो यही लेके हम यहाँ चलते हैं, 16x² - 4 + 4x + 1 = 0, ये क्या हो जाएगा, 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है 4x, 4x ले लिया, बचा क्या 4x - 1, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 1 ही कॉमन है, ठीक है, तो 1 बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा 4x - 1 = 0। अब ये हो गया 4x - 1, कॉमन ले लिया दोनों में से, बचा क्या 4x - 1 = 0, ये दोनों सेम हो गए, तो होल स्क्वायर हो जाएगा इसका 4x - 1 = 0। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 4x - 1 का होल स्क्वायर = 0। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा क्या 4x - 1 = 0, ठीक। यहाँ से क्या आ जाएगा, x = ये -1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई के नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/4, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, कि देख के बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें 2-3 चीज़ें दी रहती हैं, हमें बस रिलेशन निकालना होता है और इससे फिर एक एक इक्वेशन बनाना होता है, इक्वेशन अगर बन गया फिर काम आसान हो जाता है, ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि कह क्या रहा है। कह रहा है देखिए, कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, वो क्या करती है, कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है इन ए डे, ठीक है, क्या है, सर्टेन नंबर्स ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। अब एक दिन क्या किया गया कि ये देखा गया कि हर आर्टिकल जो बनाया गया है उसका जो कॉस्ट है, ठीक, वो क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक, यानी उसी दिन जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए गए थे, ठीक है, उनके दोगुने से 3 अधिक है, ठीक, तो इसको तो अभी बाद में देखते हैं क्या रिलेशन कह रहा है, पहले समझते हैं। अगला क्या कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। अब ये तीसरी चीज़ दे दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन्हीं 3 चीज़ों में हमें रिलेशन निकालना है, क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए सीधे सीधे एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, वो पेंसिल बनाती है, ठीक है, अब किसी दिन क्या हुआ कि उसने टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितने बनाए, एक दिन में मान लीजिए उसने बनाए 20 पेंसिल, ठीक, तो एक पेंसिल बनाने पे कुछ खर्च आता होगा, कुछ कॉस्ट होगा, ठीक, तो मान लीजिए कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, एक पेंसिल को बनाने के पीछे मान लीजिए 5 रुपये खर्च आते हैं, ठीक है, और टोटल बनाए गए हैं 20 पेंसिल, ठीक, तो उस दिन पेंसिल बनाने का पूरा खर्चा कितना आया होगा, कैसे मिलेगा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो मिल जाएगा, यानी 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 100 रुपीज, यानी उस इंडस्ट्री में एक दिन में 20 पेंसिल बनाने का खर्च कितना हुआ, 100 रुपया, कैसे हुआ, क्योंकि हर एक पेंसिल बनाने में 5 रुपये खर्च हो रहे थे और बने कितने हैं, 20 पेंसिल। वही कुछ कंडीशन यहाँ पे भी है, क्या कह रहा है
कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी इसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऑन दैट डे, यानी इसकी बात हो रही है। फिर क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, यानी इसकी बात हो रही है। तो क्या हो सकता है कि इन दोनों में जो रिलेशन है, ठीक है, वो लाके हम मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल टू में लाके 90 लिख दें, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक, आइए करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे किससे कंपेयर किया गया, लिखा है मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसी को एक्स मानते हैं। लिखो, लेट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज एक्स। ठीक है, अब एक्स मान लिया किसको, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन जो बने थे, यानी इसको मैंने एक्स मान लिया। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ये जो एक्स है, ठीक, वो हर एक जो आर्टिकल था उसके उसका प्राइस क्या है, इसका दोगुना, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी इसका दोगुना कर दें। फिर क्या कह रहा है कि मोर देन, थ्री मोर देन, ठीक है, यानी इसमें तीन ऐड कर दे, तो हमें क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है। अब इसको क्या लिखते हैं, सो कॉस्ट, ये चीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो गया कि इसका थ्री मोर देन द ट्वाइस। ठीक है, तो उल्टा चलते हैं, पहले इसका दोगुना करते हैं, 2x हो गया, फिर उसमें तीन ऐड कर देते हैं, इतने रुपीज क्या है, एक सिंगल आइटम का कॉस्ट है। ठीक, अब देखिए ये दोनों चीज़ें मिल गई हमें। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये निकालना, ये हमें कितना दिया हुआ है, 90, लिखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये दिया हुआ है कितना, 90 रुपीज। और वैसे क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 90 आना चाहिए। अब लिख लेते हैं टोटल नंबर आर्टिकल कितना है, एक्स है, हर एक का कॉस्ट क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। ये हमें इक्वेशन मिल गया। अब हमें इसे इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। x को 2x मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को इधर लाते हैं, माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब क्या है ये, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा ऐसे चाहिए कि इनको मल्टीप्लाई करने पे 90 इंटू 2 यानी 180 आता हो, और प्लस करने पे क्या आता हो, 3 आता हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में निगेटिव है, ठीक, तो हम यहाँ प्लस नहीं लेंगे, माइनस लेंगे, यानी माइनस करने पे 3 आना चाहिए। ठीक, तो आप ट्रिक का यूज कीजिएगा जो मैंने बताया हुआ है, वैसे यहाँ पे होगा 12 और 15। ठीक है, 15 में से 12 को माइनस करेंगे कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये लेके चलते हैं, होगा क्या, 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी,
15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू जीरो। ब्रैकेट खोल लेते हैं, 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे दो जोड़े मिल गई, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, केवल x कॉमन है, x निकाल लिया, बचा क्या 2x प्लस 15 माइनस, यहाँ पे 12 कॉमन है, सॉरी 12 नहीं 6 कॉमन है, ठीक है 6 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे 2x प्लस 15 कॉमन हो गया, इसको निकाला, बचा क्या x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से क्या होगा, आइदर 2x प्लस 15 इक्वल टू जीरो होगा या x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से x इक्वल टू माइनस 15 बाई 2 होगा, ये 15 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा और x इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है नेगेटिव में है, इधर पॉजिटिव है, और x है क्या, x हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, जो कि एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो हमें क्या लेके चलना है x प्लस 6। सो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, यानी 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी 15 रुपीज, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आ गई, यही हमारा क्या है आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, कहाँ पे, स्टिल वाटर में, यानी पानी जब रुका हुआ तब स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक। क्या करता है ये, 1 आवर मोर टू गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब देखिए अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है, पहले मैं ये बता दूं, मान लीजिए एक रिवर है, ठीक, अब हमें पता है रिवर में पानी एक साइड से दूसरे साइड बहता है, ठीक है, मान लीजिए रिवर इस साइड से इस साइड बह रहा है, ठीक। अगर कोई एक मोटर बोट है, ठीक है, वो ये जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर जा रही है, ठीक, तो इसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। वहीं अगर एक दूसरा मोटर बोट है, ठीक है, वो इस साइड जा रहा है, ठीक है, इस साइड जा रहा है और स्ट्रीम का डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, यानी एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में होता क्या है कि मान लीजिए रिवर की जो बहने की स्पीड है, ठीक है, वो मान लीजिए वाई है और जो मोटर बोट है, मान लीजिए मोटर बोट है, ठीक है, उसकी जब पानी नहीं बह रहा है, ठीक है, उस टाइम उसकी स्पीड मान लीजिए एक्स हो, ठीक, मान लीजिए एक तालाब है, तालाब में तो पानी बहता नहीं है, तो वहाँ अगर मोटर बोट ही चलती है तो उसकी स्पीड यहाँ पे एक्स है। अब इसी मोटर बोट को मान लीजिए हम उतार दें कहाँ पे, एक नदी में, ठीक, तो नदी एक साइड बह रही है और उसी साइड अगर हम इसको भी चला दें तो क्या होगा,
ये जो स्पीड है नदी की, ठीक है, और इसकी स्पीड दोनों जुड़ जाएंगी, यानी ये ज़्यादा स्पीड से आगे जाएगा। तो ज़्यादा स्पीड से आगे जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी। वहीं अगर पानी साइड बह रहा है और मोटर बोट इधर आने की कोशिश कर रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। यानी ये जो मोटर बोट की स्पीड है एक्स, उसमें से ये जो नदी की स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में ये अंतर आ जाता है स्पीड में, ये डाउन का है, ये अप का है, ठीक है। अप में क्या होता है, बोट जो है वो अपोज करती है, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट जो है नदी के साथ साथ चलती है, ठीक, ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब आइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं। और देखिए मोटर बोट की स्पीड यहाँ दी हुई है स्टिल वाटर में, ठीक है, और क्या है कि हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये मान लिया हमने। तो क्या होगा, स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, ये 18 है, 18 में ये एक्स ऐड हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जो नदी की स्पीड है और जो बोट की स्पीड है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं। फिर स्पीड अप स्ट्रीम क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये दोनों सिचुएशन में हमें दो स्पीड मिल गई हैं। अब इन्हीं दोनों स्पीड्स का रिलेशन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। देखिए यहाँ टाइम की बात किया है, 1 आवर मोर, ठीक है, और कब कब टाइम की, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने में, और कितना गई है, 24 किलोमीटर। यानी मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 24 किलोमीटर। अब मान लीजिए कि नदी साइड बह रही है, ठीक, इस साइड, तो क्या हो रहा है कि एक बार जो नाव है वो ए से बी जाती है, फिर बी से ए आती है, तो क्या हो जाएगा, इधर से जाते हुए ये होगा डाउन स्ट्रीम, और वापस आते हुए क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम। अब कह रहा है कि ये जो दोनों हैं, ठीक है, इधर जाने में जितना टाइम लगा है T1 और आने में जितना है T2, उसमें 1 घंटे का फर्क हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 1 आवर मोर टू गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम में जब जाता है, अब देखिए अप स्ट्रीम में जाएगा जब, तो इसकी स्पीड में कुछ कमी आ जाती है, ठीक है, वही जो नदी की स्पीड है वही कम हो जाती है इसमें से, ये जब स्पीड कम हो जाएगी तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी T2 क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, T1 से। क्यों, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में इसको नदी की हेल्प मिल जाती है, तो इसको टाइम कम लगेगा, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, हमें तो पता चलेगा T2 T1 से ज़्यादा है, लेकिन कितना है, 1 घंटा ज़्यादा है, यानी T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना है, 1 आवर है, 1 आवर। अब देखिए T2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें पता है स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस होता है, तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब T2 के लिए अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस वही 24 किलोमीटर है, अपॉन स्पीड कितनी है, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 18 माइनस एक्स
माइनस टी वन भी ऐसे निकलेगा इसी फार्मूले से। अब टी वन के लिए डिस्टेंस क्या है, यही है 24 किलोमीटर अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, ये डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 18 प्लस x इक्वल्स टू 1। अभी और को छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन फाइनल बन के मिल गया। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। x क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी नदी की स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इक्वेशन दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब इससे भी डरने की जरूरत नहीं है, सीधे साधारण तरीके से हम एकदम आराम से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पे क्या जाएगा, 18 माइनस x इंटू 18 प्लस x, ठीक। इसका 24 में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 24 में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ दोनों जगह 24 है, तो 24 को हम बाहर ही रखते हैं। इधर क्या हो जाएगा, 18 प्लस x, फिर ये 18 माइनस x का इसमें मल्टीप्लाई होगा, बचेगा क्या, -18 प्लस x, 24 को हमने बाहर निकाल के रखा, ठीक है, इक्वल टू 1। अब ये जो है, ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है, a माइनस b a प्लस b, इसका फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो इसी पे इसको ब्रेक करते हैं, ठीक, ब्रेक करते हैं और उधर ले जाते हैं, उधर ले जाके ब्रेक करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 24, यहाँ पे देखिए ये 18 से 18 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2x। देखिए हमारा यहाँ पे का क्या होगा, काफ़ी मेहनत बच गई 24 को बाहर निकालने से, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 2x, और इधर ये आ जाएगा इस फार्मूले पे 18² - x², यहाँ से क्या हो जाएगा, 48x, और इसको पूरा इधर लाते हैं, ये -x² है तो x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये प्लस का इधर आके माइनस होगा, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसी को सॉल्व करना है। अब यहाँ के लिए देखिए हमें अल्फा बीटा ऐसा चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो, 324 हो, प्लस ये भी दिख रहा है कि यहाँ माइनस साइन है, ठीक है। इसका मतलब हमें अल्फा माइनस बीटा कितना चाहिए, 48 चाहिए, ठीक। अब 324 को मैं पहले एक से डिवाइड करता हूँ, एक से डिवाइड करने में कुछ मिलेगा नहीं, दो से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। दो से डिवाइड किया, क्या मिला, 162, ठीक है। फिर थ्री से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 162 में से दो को माइनस करेंगे, 48 आने वाला नहीं, तो हम क्या करते हैं, थ्री से डिवाइड करते हैं, ठीक है। थ्री से डिवाइड हो जाएगा ये 108, इससे इसको माइनस करने 48 नहीं आएगा। फोर से करते हैं, फोर एट वन, ठीक, 81 में से 4 गया, 48 नहीं आएगा। 5 से तो जाएगा नहीं, 6 से भी जाएगा ये 54 में से 6 गया, 48 आ जाएगा यही है, ठीक है। तो x² + 54 - 6x - 324 = 0। अब x² + 54x - 6x - 324 = 0। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ x ही कॉमन है, बचेगा क्या, x + 54 - 6 कॉमन ले लिया। अब यहाँ हम डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया, अब सीधे यही चीज़ जो है सीधे यहाँ पे कॉपी कर देंगे, डिवाइड करके टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम
ने ऊपर सब सही किया है तो यहाँ भी सही आएगा, ठीक है। तो हमें पास किया गया x प्लस 54 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए, आइदर x प्लस 54 0 होगा और x माइनस 6 0 होगा। x इक्वल टू माइनस 54 यहाँ से आएगा और यहाँ से x कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक। अब देखिए, सिंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैन नॉट बी अ निगेटिव नंबर, अब जो स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है, वो एक निगेटिव नंबर नहीं हो सकती, यहाँ निगेटिव आया, ठीक। तो हम क्या लेंगे, ये 6 लेंगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आज के वीडियो में इतना ही, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ मैं आपको बोनस क्वेश्चन भी कराऊंगा जो एनसीईआरटी के बुक में नहीं है लेकिन है उतने ही इम्पॉर्टेंट कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, धन्यवाद। I'm gonna go get some more.